अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। जी मोहतरम सामईन और नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस चैनल को देखने और सुनने वाले तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। मैं आज अहबाब की खिदमत में एक अहम वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा नुस्खा है वो आज का नुस्खा हमारा आँख और कान के बारे में कतरे हैं। वो किसी भाई का सवाल था आँखों के कतरों के बारे में, आशूबे चश्म के बारे में। आँखें सुरख हो चुकी हैं, एलर्जी है, आँखें सुरख हैं, पानी बहता है, आँखें दर्द करती हैं। तो ये ऐसे कतरे मैं अहबाब के सामने पेश करूँगा जो कतरे सिर्फ आँखों के लिए नहीं बल्कि आपके कानों के बहरेपन के लिए, कान के दर्द के लिए, कान की फिंसी के लिए, कान के बहने के लिए, ये अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजल से ये काफ़ी और शाफी होंगे। इससे पहले तफसील से कान के बारे में मेरे एक दो क्लिप मौजूद हैं, लेकिन ये जो आज मैं आपके सामने नुस्खा रखने लगा हूँ ये नुस्खा इंतहाई मुफीद है, इंतहाई सादा है और इंतहाई सस्ता है। और ये नुस्खा बहुत ही सस्ता है, जिस तरह आप समझ लें कि कौड़ियों के भाव जो है ये बनने वाला है। तो नुस्खा मैं अब आपके सामने रखता हूं, नोट फरमाएं। नंबर एक, नीला थोथा। ये आपने बहुत अच्छा लेना है क्योंकि आजकल जो बाजार में आ रहे हैं ना वो फटकड़ी के अंदर वो कलर डाल के बना के वो आपको दे रहे हैं, तो आप जरा एतमाद के साथ इसको खरीदें। नीला थोथा आठ रत्ती, यानी आप यूं समझ लें कि नुस्खे की सेहत का या मरीज की सेहत का जो इन्हिसार है वो सेहतमंद अदवियात के ऊपर है। क्या आपके पास सेहतमंद अदवियात होंगी तो आपका नुस्खा सही बनेगा, और नुस्खा सही बनने से आपका मरीज जो है अल्लाह की रहमत से सेहत याब होगा। इसके अलावा दार चिकना दो रत्ती, यानी दार चिकना दो रत्ती, नीला थोथा चार रत्ती। इन दोनों को बारीक सफूफ आपने बना लेना है, बिल्कुल पाउडर बना लें सुरमे की तरह। और एक बोतल आपने अरके गुलाब की लेनी है, ये सारा आपने उसमें मिक्स कर देना है और ये आपके आई ड्राप एयर ड्राप्स जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। कमर्शियल भी यूज़ कर सकते हैं आप, इनको फार सेल भी बना सकते हैं। घर के लिए बनाना, बेशक आपने आधा बनाना है तो आधी बोतल कर लें अरक की, और उसी तरीके से दूसरी अद्वियात भी निसफ कर लें। तो ये बहुत ही मुजर्रब है। जो तमाम चीज़ें मैंने अहबाब के सामने रखी हैं इंशाल्लाह उन तमाम चीज़ों के ऊपर ये मुजर्रब है और अल्लाह की रहमत से ये कारगर साबित होगा। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो, अल्लाह ताला मुझे भी आप तमाम अहबाब को तमाम मुझी अमराज से महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।